वे लोग मशीनों के कलपुर्जे बनाने के नाम पर अवैध हथियारों की फैक्ट्री चला रहे थे, लेकिन जब पुलिस को इसकी भनक लगी और पुलिस ने छापेमारी की, पूरे मामले का खुलासा हो गया और पुलिस ने भारी मात्रा में वहां से अर्धनिर्मित हथियार बरामद कर लिए। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय एसपी कार्यालय परिसर में हूं। आज एसपी योगेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता की और अवैध मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया। बताया उन्होंने कि कैसे बेगूसराय के लाखों ओपी क्षेत्र में एक अवैध हथियार की फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने एसटीएफ की मदद से वहां पे छापेमारी की और भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए। 12 पिस्टल अर्धनिर्मित बरामद पुलिस ने की है और हथियार बनाने वाली मशीन को बरामद किया। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वहीं 3 महिलाओं को भी हिरासत में लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ये सभी के सभी हथियार बनाने वाले बदमाश मुंगेर ज़िले के रहने वाले थे। इसके संचालक भी मुंगेर के रहने वाले थे। आपको बता दें कि एसपी ने बताया कि सदर एसडीपीओ अमित कुमार के नेतृत्व में एसटीएफ और बेगूसराय जिला पुलिस की टीम ने जब छापेमारी की तो वहां सनसनी फैल गई, हड़कंप मच गया पूरे इलाके में। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी को धर दबोचा और सारी मशीनें भी बरामद कर ली। आइए सुनते हैं एसपी योगेंद्र कुमार ने इस पूरे मामले में क्या कहा। बेगूसराय पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई की है। इसमें एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है पुलिस ने। यहाँ भारी मात्रा में कट्टा बंदूक और अवैध हथियार बनाने के कई मशीनें पुलिस को मिली हैं। ये सभी मशीनें और जो भवन जहाँ पे सब चल रहा था, पुलिस ने उसको जब्त कर लिया है और मशीनों को सील कर लिया है। कुल 9 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। देखिए, इसमें लगातार हम लोग को सूचना मिल रही थी कि लाखो थाना क्षेत्र के एक पर्टिकुलर जगह पे एक बिल्डिंग है जहाँ पे कि इस टाइप की कुछ सस्पेक्टेड एक्टिविटी हो रही है। तो एसटीएफ के साथ मिलकर हम लोग ने उस इन्फॉर्मेशन को पहले डेवलप किया और कल सही समय पर घेराबंदी करके जब वहाँ छापेमारी की गई तो कुल 9 लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया गया। और वहाँ पे एक ड्रिल मशीन मिली है, एक लेथ मशीन मिली है, कटर मशीन, ग्राइंडर मशीन, वहाँ पे 24 बैरल मिले हैं अर्धनिर्मित, 12 अर्धनिर्मित पिस्टल मिली है, कटर मशीन, ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन, मिलिंग मशीन, लेथ मशीन, ये सबके एक एक पीस मिले हैं वहाँ पे। हमें वहाँ से 18,000 रुपये नकद भी मिले हैं, जो कि जिस व्यक्ति को इन लोगों ने बेचा था उससे जो पैसे आए थे अभी हाल फिलहाल में, वो 18,000 रुपये भी पुलिस ने जब्त किए हैं। मोटरसाइकिलें 6 मिली हैं और 2 मोबाइल फ़ोन मिले हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों में मैं आपको बता दूं कि जो सबसे मेन मास्टरमाइंड है इसमें 2 लोग हैं। एक का नाम है राजकुमार चौधरी, ये कॉन्ट्रेक्चुअल शिक्षक हैं मुंगेर में, और दूसरे का नाम है अजय कुमार चौधरी, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल शिक्षक के रूप में काम करता है मुंगेर में। इसमें जो बाकी के 3 लोग, अन्य जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक का नाम है प्रवीण कुमार तांती, ये मुंगेर का है, मोहम्मद इकबाल, ये भी मुंगेर का है, अमित कुमार चौधरी और अशोक चौधरी, ये सब भी मुंगेर के ही रहने वाले हैं। इसमें जो 2 मास्टरमाइंड है, राजकुमार चौधरी और अजय कुमार चौधरी, ये आपस में रिश्तेदार भी हैं और आज से करीब 1 साल पहले ये लोग पश्चिम बंगाल के चितरंजन जिले में भी इसी प्रकार की एक फैक्ट्री चला रहे थे, आर्म्स फैक्ट्री, तो वहाँ भी पुलिस ने इन लोग को अरेस्ट किया था, वहाँ से लोग जेल गए थे और इस समय ये लोग उस केस में बेल पे हैं। और अभी इन लोगों ने करीब यहाँ पे कुछ महीने पहले ही यहाँ पे ये काम स्टार्ट किया था। तो इन लोग की गिरफ्तारी से एक बहुत बड़े रैकेट का उद्भेदन हो गया है। इन लोगों ने कितने लोगों को हथियार बेचा, कितना पैसा अर्जित किया, उसकी भी सारी जानकारी पुलिस ने पता कर ली है और हमारी विशेष छापेमारी टीम अब उन लोग की भी गिरफ्तारी के लिए निकली हुई है इस समय। तो इन लोग की गिरफ्तारी से एक बहुत बड़े रैकेट का उद्भेदन हुआ है, वरना आने वाले समय में ये लोग इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ें हथियार सप्लाई कर सकते थे जिससे अपराध की कोई बड़ी घटना यहाँ पे अंजाम दी जा सकती थी। तो इस पूरे क्रिमिनल गैंग की गिरफ्तारी से बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है पुलिस को और हमारा जो लाखों और बलिया का जो क्षेत्र है, स्पेशली मुंगेर से भी जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है और हमारा जो शहर का क्षेत्र है, तो उस सबको सुरक्षित रखने में हम लोग को और मदद मिलेगी। और इन लोगों का और किन किन राज्यों में और किन किन जिलों में आपराधिक इतिहास है वो भी हम लोग पता कर रहे हैं इसमें। तो एसटीएफ की टीम ने और हमारी जिला पुलिस की टीम ने, एसटीपीओ सदर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। इसमें एसएचओ लाखो, एसएचओ मुफस्सिल, हमारे सर्किल इंस्पेक्टर सदर मदन और हमारे टेक्निकल सेल की सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और रंगे हाथों मशीन सहित और ये सारी चीज़ों के साथ इनको जब्त किया है। मैं अपनी तरफ से पूरी टीम को पुरस्कृत करूँगा। देखिए, आप देख सकते हैं कि अर्धनिर्मित जो पिस्टल होती है उसका कवर इन लोगों ने बनाया है, बैरल बनाया है और जो उसकी बॉडी होती है वो भी बनाया है।
हम लोग ने जब फैक्ट्री में छापेमारी की थी, मैं भी वहाँ पे गया था, तो वहाँ पे ये लोग ड्रिलिंग के थ्रू जो कच्चा लोहा होता है, ये लोग कच्चा लोहा जहाँ से लाते थे वो बैकवर्ड सोर्स भी पुलिस ने पता कर लिया है, और किन किन ट्रांसपोर्टरों ने इनको ये सामान सप्लाई किया वो भी पुलिस ने पता कर लिया है। तो उसमें लगातार ये लोग रात दिन उसमें ड्रिलिंग करते थे मशीनों के थ्रू, उसके बाद उसको ये आकार देते थे। उसका नेक्सस अपने स्टेट तक ही है और कहीं? देखिए, इसका नेक्सस बाकी जगहों में भी है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं, ये लोग सब लोग पहले पश्चिम बंगाल में और मुंगेर में भी इस प्रकार के हथियार बनाने का काम करते थे। ये लोग कारीगर के रूप में ट्रेंड कारीगर हैं, और इन लोगों ने यहाँ कुछ महीने पहले यहाँ पे ये चीज़ें मशीनें, सेकेंड हैंड मशीनें थी वो सब। इन लोगों ने बताया कि कोलकाता से इन लोगों ने 4 से 5 लाख रुपए लगा करके वो मशीनें सेकेंड हैंड खरीदी थी, और अब 4-5 महीने पहले ही यहाँ पे ये सब सेटअप किया था। जब वहाँ पे हम लोग ने छापेमारी की, तो इसमें जो 4 लोग मिस्त्री के रूप में काम करते थे, इनके परिवार के यानी पत्नी भी वहाँ पे रहते थे। वो लोग इन लोगों को खाना सप्लाई करते थे, इस पूरे फैक्ट्री को चलाने में वो लोग मदद करते थे, उनको भी पूरी जानकारी थी। इसलिए पुलिस ने यहाँ पे कड़ा कार्रवाई करते हुए उनको भी गिरफ्तार किया है, साथ में उस बिल्डिंग की जो मकान मालकिन है और उसकी जो बेटी है उनको भी पूरी जानकारी थी, और वो लोग इन लोग से महीने का किराया भी लेते थे ये सब चलाने का। तो उन लोग को भी हम लोग ने दोषी पाया है, उनको भी पुलिस ने अरेस्ट करके जेल भेजा है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि ये लोग 5 महीने से यहाँ पे काम कर रहे थे, और जिस बिल्डिंग में ये चल रहा था वो रोड से थोड़ा दूर में थी, और ये लोग कुछ इस प्रकार से काम करते थे कि शोर शराबा बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाता था। लेकिन वहाँ से कुछ सस्पेक्टेड एक्टिविटी पुलिस को मिल गई थी काफ़ी पहले, तो उसके बाद हम लोगों ने उस इन्फॉर्मेशन को डेवलप किया, और हम लोग ने समय लिया ताकि हम लोग चाहते थे इन सबको रंगे हाथों पकड़ें, और ये बड़ी सफलता इसमें मिली।